हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। कि आज के इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स हॉट 11s वर्सेस रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के बीच में फ्री फायर मैक्स का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे इस टच रिस्पॉन्स, स्मूथनेस, ब्राइटनेस, एफपीएस सभी चीज़ों का यहाँ पे डिटेल में कंपेयर करेंगे। 732Z वर्सेस G88 करने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो को देखते रहिए एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्त प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम रिबूट टेस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं कौन विनर बनता है। एक में है 732Z आई थिंक यहाँ पे रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में एंड यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 11s में सबका प्यारा दुलारा G88 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे गाइस देखते हैं कि विनर कौन बनता है। बेसिकली G88 तो लाइटर ही है अगर कंपेयर किया जाए 732Z से तो। एंड यहाँ पे गाइस फाइनल विनर हो जाता है हमारा एज यू कैन सी रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, और होना भी चाहिए क्योंकि ये प्रोसेसर G88 से थोड़ा पावरफुल है ही। बट गाइस यहाँ पे देखते हैं फ्री फायर मैक्स में कौन बेटर है। यहाँ पे गाइस आपको सबसे पहले मैं आपको सेटिंग दिखा दूँ 10 प्रो मैक्स की। तो एज यू कैन सी सभी सेटिंग्स को फुली मैक्स पे कर दिया है। एंड गाइस टाइम एंड बैटरी परसेंटेज की बात कर ले तो 10:55 हो रहा है एंड बैटरी परसेंटेज की बात कर ले गाइस तो 57 पे है। ओके सो गाइस यहाँ पे बेसिकली प्ले करते हैं। इसमें मिलता है 732Z प्रोसेसर एंड फ्री फायर मैक्स तो सभी में 60fps सपोर्ट कर ही लेता है। तो यहाँ पे भी 60fps का सपोर्ट आपको देखने को क्लियरली मिल जाता है। बट गाइस इसमें एक एडवांटेज है, यहाँ पे जो गेम मोड वाला फीचर देखने को मिल जाता है ना, वो गाइस सरप्राइजिंगली काफ़ी कमाल का काम करता है। मतलब बिना गेम मोड को इनेबल किए अगर आप प्ले करते हैं, वैसे गेम मोड इनेबल कर देंगे लेकिन वो सेटिंग इनेबल नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब बिना मैंने वो सेटिंग इनेबल किए प्ले कर रहा था तो सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिल रही थी, टच रिस्पॉन्स भी लो देखने को मिल रहा था। बट जैसे ही उस सेटिंग को हमने इनेबल किया उसके बाद से गाइस यहाँ पे एडिशनल सेटिंग बेसिकली देखने को मिल जाता है गेम मोड में। तो फिर फ्री फायर के लिए स्पेशली वो इनेबल करना पड़ता है या BGMI जो भी आप गेम प्ले कर रहे हैं उसके लिए। तो गाइस वहां पे इनेबल करने के बाद यहां पे सेंसिटिविटी काफी मस्त इंप्रूव हो जाती है एंड टच रिस्पांस भी तो मजा आ जाता है, मतलब प्ले करने में मक्खन जैसा चलता है। एंड साथ ही गाइस यहां पे FPS की बात कर ले तो 60fps पे मतलब ये मस्त सपोर्ट करता है। मतलब आपको 50-55 के अप्रोक्सी रहता है यहां पे, तो FPS में भी यहां पे कोई भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिलती है। एंड ये प्रोसेसर गाइस फ्री फायर मैक्स के लिए मैं कह सकता हूं कि काफी सही है। एंड सेल में अभी ये फोन 15,000 के अप्रोक्स मिल जा रहा है, 10 प्रो बाई कर सकते हैं मैक्स के बदले भी, तो वो भी गाइस काफ़ी सही डील है। लेकिन यहाँ पे एक ही डील ब्रेकर है कि इसको अपडेट ना करिएगा। अगर आपको ये फ़ोन बाई करना हो तो ये फ़ोन बाई जरूर से कर सकते हैं, बट इस फ़ोन को आप अपडेट मत करिएगा। वहाँ पे गाइस अपडेट में आपको बग्स देखने को मिल जाते हैं, नहीं तो ओवरऑल गाइस सभी चीज़ें इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। साथ ही गाइस यहाँ पे 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड टेम्परेचर की बात कर ले तो 44.8 गया है। आई डोंट नो गाइस इतना ज़्यादा पहली बार मैं मतलब इसको देख रहा हूँ। एंड यहाँ पे बैक से भी देख सकते हैं 43 के अप्रॉक्स है, तो हीटिंग इशू तो नहीं है, मतलब थोड़ा और कम जाना चाहिए था बट ठीक है। एंड ये इसे यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 11 मिनट में 4% बैटरी डिक्रीज देखने को मिली है। तो सभी चीज़ें गाइस इसमें काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे डुअल स्पीकर है एंड डिस्प्ले भी गाइस काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के साथ में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल कहा जाए तो एक ये काफ़ी सही पैकेज लगा मुझे। एंड साथ ही गाइस अब यहाँ पे प्ले करते हैं हम इन्फिनिक्स हॉट 11s में। एंड गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सेटिंग दिखा दूं। सो गाइस यहां पे कॉल आ गया एक मिनट। अब गाइस यहां पे मैं आपको टाइम एंड बैटरी परसेंटेज दिखा दूं तो 11:08 हो रहा है एंड बैटरी परसेंटेज 82 पे है। वैसे आपको सेटिंग दिखाई दिया फुली मैक्स पे हमने कर दिया है। एंड गाइस यहां पे मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G88 प्रोसेसर एंड यहां पे गाइस मतलब आपको फ्री फायर मैक्स मस्त ये परफॉर्मेंस देता है ये प्रोसेसर। यहां पे गाइस आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हां FPS जो है यहां पे 60fps पे प्ले करने पे यहां पे अप्रोक्स 40-45 के अप्रोक्स ही रहता है, बट गाइस काफी सही लगता है। लेकिन अगर आप गाइस यहाँ पे BGMI प्ले करते हैं तो BGMI में मतलब मैं कह सकता हूँ कि Redmi Note 10 Pro Max से भी मुझे ज़्यादा स्मूथनेस यहाँ पे इस फोन में लगता है। पता नहीं Infinix वाले कैसे Infinix के फोन्स को बेसिकली ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर कंपेयर किया जाए किसी भी ब्रांड से जो 40fps सपोर्ट करते हैं तो उनसे कंपेयर करने पे बेसिकली ये विनर हो जाता है Infinix। पता नहीं क्यों गाइस यहाँ पे बहुत ही सही स्मूथनेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे गाइस जो आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है वो उतना लाउड नहीं है, बट सिंगल स्पीकर से थोड़ा साउंड आउटपुट बेटर देता है। लेकिन रियलमी का जो भी फ़ोन आते हैं सिंगल स्पीकर के साथ में वो गाइस काफ़ी लाउड होते हैं और इन्फिनिक्स के डुअल स्पीकर को क्लियरली बीट कर देते हैं। एंड यहाँ पे भी गाइस गेम मोड फीचर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे गाइस वॉइस चेंजर नहीं ऐड किए हैं। बट वॉइस चेंजर जिस फ़ोन में ऐड भी किए हैं वहाँ पे भी वो वर्क नहीं करता है, जैसे कि इन्फिनिक्स नोट 12, नोट 11, बहुत सारे फ़ोन्स में यहाँ पे वॉइस चेंजर आ गया है लेकिन वहाँ पे वो वर्क नहीं करता है। तो कोई फ़ायदा नहीं देने का।
एंड यहाँ पे भी मतलब सही FPS वगैरह से सेंसिटिविटी मतलब यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे नोट 10 प्रो मैक्स जैसा नहीं है कि सेटिंग से इनेबल करना पड़ेगा, मतलब इसको बिना इनेबल किए भी प्ले करने पे गई सेंसिटिविटी ये अच्छा प्रोवाइड कर देता है, तो ये एक मुझे काफ़ी सही लगा। एंड अभी इसके प्राइस आई थिंक सेल में 9000 के अप्रॉक्स में मिल रहा है, बट इस फोन को अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, इसके बदले आप कोई और फोन चूज कर सकते हैं लाइक रेडमी नोट 12 टर्बो भी आ चुका है गाइस, तो बहुत सारे फ़ोन्स आ चुके हैं, 5G भी आ चुका है, तो मैं कहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट ना ही करें तो बेहतर रहेगा गाइस। यहाँ पर रियलमी नार्जो 50 आप चूज़ कर सकते हैं 10000 में, वैसे वो भी मतलब इसके जैसा FPS प्रोवाइड करता है, लेकिन ये है गाइस कि वहाँ पे उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा अगर रियलमी UI 2.0 यूज़ करते हैं तो, अगर 3.0 उसमें अपडेट कर देते हैं तो गाइस वो भी काफ़ी दिक्कत आपको दे सकता है दोस्त। फाइनली गाइस यहाँ पे हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, एंड यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर लें तो एज़ यू कैन सी 43 गया है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सिमिलर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, 44 गया था आई थिंक हमारा नोट 10 प्रो मैक्स एंड यहाँ पे भी 43 गया है, तो कोई ज़्यादा हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलती है यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब सिमिलर ही काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही टाइम एंड बैटरी परसेंटेज की बात कर लें तो यहाँ पे 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एंड यहाँ पे भी गई 4% की डिक्रीज देखने को मिली, तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे इन्फिनिक्स काफ़ी सही बैटरी परसेंटेज डिक्रीज किया है बेसिकली कहा जाए तो। ओके यहाँ पे वन वर्ड में कहूँ तो नोट 10 प्रो मैक्स अगर आपको बाई करना है काफ़ी मस्त इन हैंड फील है भाई, बहुत ही पतला फ़ोन है, मज़ा आ जाता है यूज़ करने में, तो इसको बाई करना होगा तो इसको अपडेट मत कीजिएगा, एंड इन्फिनिक्स और 11S के बदले कोई और फोन चूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।